हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास पोको M6 प्लस 5G, पोको का लेटेस्ट स्मार्टफोन। ये जो फ़ोन है ये अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। 1 अगस्त को ये फ़ोन मार्केट में लॉन्च होगा, लेकिन उससे पहले ये फ़ोन मेरे हाथ में आ गया गाइस। तो आज इसी फ़ोन को करेंगे अनबॉक्सिंग, जानेंगे सभी कुछ इस फ़ोन के बारे में, क्या है प्राइस, स्पेसिफिकेशन सभी कुछ जानेंगे गाइस। बॉक्स आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह येलो कलर में आता है, और बॉक्स के पीछे यहाँ पर स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। स्नैपड्रैगन 4 Gen का प्रोसेसर दिया गया, 108 MP का कैमरा है, 33 W की फास्ट चार्जिंग है, और 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले और ग्लास बैक पैनल रहेगा इस फोन के अंदर। प्राइस यहाँ पर मेंशन किया गया है 17,999, लेकिन ओरिजिनल प्राइस क्या होगा आज के इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप लोग वीडियो पर बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस, यहाँ पर मैंने बॉक्स को कर लिया है अनबॉक्स, और अनबॉक्स करते ही हमें एक और बॉक्स देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें मिलता है एक ट्रांसपेरेंट केस, और उसके बाद ये रहा पोको M6 प्लस का फ़ोन, साथ ही साथ में एक Type-A2 Type-C का केबल दिया गया है बॉक्स के अंदर ही। उसके बाद एक 33 W का आपको फास्ट चार्जिंग एडाप्टर मिलता है बॉक्स के अंदर, एक सिम इजेक्टर पिन और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं फोन के लुक्स और डिजाइन की। तो गाइज, ये रहा पोको M6 प्लस का फास्ट लुक, फास्ट इंप्रेशन गाइज। बहुत ही जबरदस्त लुक्स के साथ ये फोन मार्केट में लॉन्च होने वाला है गाइज। आप देख सकते हैं जो फोन है पूरा का पूरा बैक पैनल ही ग्लास का बैक पैनल बनाया गया है, और बहुत ही ग्लोसी और शाइनिंग कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5G का लोगो दिया गया है, पोको का लोगो दोनों ही तरफ से आपको देखने को मिलेगा। डुअल कैमरा सेटअप और एक रिंग लाइट जैसा फ्लैश यहाँ पर दिया गया है, और बैक पैनल जो बनाया गया उसमें आप अपना खुद का चेहरा भी देख सकते हैं, इतना ग्लोसी और शाइनिंग कर रहा है। और जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का फ्रेम यहाँ पर रखा गया है। बहुत ही ज़बरदस्त लुक्स के साथ ये फ़ोन आया है पोको M6 प्लस। आपको इस फ़ोन का फास्ट लुक, फास्ट इंप्रेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़ोन के राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, और नीचे की तरफ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको Type-C का पोर्ट, माइक्रोफोन और स्पीकर दिया गया है। फ़ोन के लेफ्ट साइड में दिया गया है एक सिम ट्रे, और ऊपर के साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक आयर ब्लास्टर और साथ ही में एक हेडफोन जैक दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ये फोन है, और जबरदस्त लुक्स के साथ ये फोन आया है गाइज। आपको इस फोन का लुक्स कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस फोन के अंदर जो डिस्प्ले दिया गया है बहुत ही बड़ा डिस्प्ले दिया गया है गाइस। 6.7 इंच का डिस्प्ले आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा पंच होल कैमरा के साथ, और गाइस इस फोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का डिस्प्ले मिलता है, फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा इस फोन के अंदर। आप लोग यूट्यूब वगैरह देखेंगे, गेमिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। प्रोसेसर इस फोन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये फोन लेके आया है पोको M6 प्लस 5G गाइस। एक हैंडी फोन है, लेकिन थोड़ा इस फोन में जो वजन है वो आपको ज्यादा लगेगा, क्योंकि इस फोन का जो बैक पैनल है वो ग्लास का दिया गया है, उसके वजह से ये फोन थोड़ा हैवी आपको महसूस होगा। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये फोन लेके आया है गाइस। 8 GB रैम है और 128 GB की स्टोरेज इस फोन के अंदर देखने को मिलती है, साथ ही में आप 8 GB एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और जो प्रोसेसर दिया गया है वो है स्नैपड्रैगन 4th Generation 2 का प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके वजह से अगर आप लोग कोई भी गेमिंग वगैरह करते हैं तो गाइस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। ऑक्टाकोर मैक्स का यहाँ पर प्रोसेसर आपको मिलता है, यानी बहुत ही स्मूथली आप गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, लैग वगैरह का कोई भी टेंशन लेने का दरकार ही नहीं है इस फ़ोन के अंदर। साथ ही में आपको यहाँ पर 5030 mAh की बैटरी मिलती है, 33 W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। बात करते हैं कैमरा की, तो 108 MP का यहाँ पर आपको बैक कैमरा मिलता है और 13 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। बैक कैमरा के अंदर आपको 10x की जूम कैपेसिटी मिलती है, जिसके जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप बहुत दूर तक जूम कर सकते हैं, और साथ ही में पिक्चर क्वालिटी जो है बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर रखा गया है। 108 MP का यहाँ पर कैमरा दिया गया है, उसके वजह से आप लोग कोई भी पिक्चर यहाँ पर आप खींचते हैं तो आप देख सकते हैं क्वालिटी कैसा रहेगा इस फ़ोन के अंदर। तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त दिया गया है। 13 MP का आपको यहाँ पर फ्रंट कैमरा मिलता है, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड सभी कुछ इस फ़ोन के अंदर अवेलेबल है गाइस। तो गाइस ओवरऑल बात किया जाए तो कैमरा क्वालिटी आपको पोको M6 प्लस फोन के अंदर बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ये फ़ोन मिलने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त लुक्स के साथ अच्छा खासा डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलने वाला है गाइस। 5030 mAh की बैटरी है, 33 W की फास्ट चार्जिंग है, 120 Hz का रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर गाइस।
ये सब कुछ आपको सिर्फ 15,000 के अंदर मिलने वाला है गाइज। ये जो फ़ोन है ये अंडर 15,000 के अंदर आने वाला है, तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का ये फ़ोन मार्केट में लॉन्च होने वाला है गाइज। आपको इस फ़ोन का प्राइस, स्पेसिफिकेशन सभी कुछ कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।